दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन लीव अप्लाई कर दिया हुआ है, अब आप उसको जो है कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है लीव को कैंसिल कराने का, कैसे आप अपनी लीव को कैंसिल कर सकते हैं, कब खुद से कैंसिल कर सकते हैं और कब आपको सीनियर से कैंसिल करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, governmentjobcenter.com पर। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिंक है EHRMS UP एडेड इंटर कॉलेज टीचर ऑनलाइन लीव। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन लीव, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पर आप लोग जो है आवेदन, मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा EHRMS लॉगिन, यहाँ राइट साइड में देखो, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिया गया रेड कलर से, देखो आप ये बॉक्स बना जहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, बेसिक, मेडिकल, मेडिकल हेल्थ, राज्य संपत्ति या सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, माध्यमिक के लिए सेकेंडरी होगा, प्राइमरी टीचर अपना बेसिक सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप सेम टू सेम इस बॉक्स में डालोगे। डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन दिया गया है, लॉगिन पर आप क्लिक कर दोगे, आप इस पोर्टल पर आ जाओगे जो कि आपके सामने ये है, इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आप लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएंगे, पहला होगा होम का, फिर होगा जनरल का, फिर होगा लीव मॉड्यूल का, ठीक है, फिर होगा ट्रांसफर मॉड्यूल का। आपको लीव मॉड्यूल में जाना है और माई लीव में जाना है, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर दूं, यहाँ देखो आपको यहाँ पर लीव मॉड्यूल में जाना है, इसके बाद यहाँ माई लीव में जाना है, इसके बाद यहाँ पर देखो तो अप्लाई लीव का ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर व्यू बैलेंस का है, यहाँ पर अप्लीकेशन स्टेटस का है, स्टेटस के बाद यहाँ पर देखोगे तो कैंसिल लीव का ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर आपने लीव अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ कैंसिल लीव में जाएंगे। अब आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है, आप कह रहा है कैंसिल अप्लाइड लीव, यहाँ पर आप कह रहा है सेलेक्ट, आप सेलेक्ट करना है कौन सी लीव कैंसिल करना चाहते हैं, EL, CL, मेडिकल। तो आप अगर जो भी आपको लीव को कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। सपोज करो हम कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ पर CL, कैजुअल लीव, तो कैजुअल लीव पे टिक करेंगे। अब व्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये आपके पास तभी ऑप्शन आएगा खुलने का जब अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और वो वहाँ से आपके जो सीनियर हैं, तो आपके प्रिंसिपल, उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, तब उसकी लिस्ट यहाँ पर खुलेगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर एक लीव अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बता पाऊँ। तो यहाँ पर अप्लाई पर गए, यहाँ पर CL पर गए और यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 18 तारीख की, सपोज करो, ठीक, 18 से 18 एक दिन की डाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। देखो मेरी यहाँ पर छुट्टी अप्लाई हो चुकी है, मतलब लीव मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। अब मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। तो माई लीव में गए, यहाँ पर गए कैंसिल लीव में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लीव में हम लोग सेलेक्ट करेंगे CL, अब व्यू करेंगे, तो व्यू करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने देखो टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि कैजुअल लीव आपने लिया हुआ है, लीव का रेफरेंस नंबर ये है, किस तारीख को आपने अप्लाई किया, तो आज भी अभी हमने अप्लाई किया 16 तारीख को, तो देखो बता रहा है 16। कब की छुट्टी आपने अप्लाई किया हुआ, तो आ रहा है 18 की छुट्टी आपने अप्लाई किया हुआ है। अब लीव स्टेटस देखो क्या दिखा रहा है, लीव स्टेटस में यहाँ पर दिखा रहा है अप्रूवल पेंडिंग। इसका मतलब है कि हमारी छुट्टी अभी हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। अगर वो अप्रूव कर देंगे उस केस में यहाँ पर अप्रूव्ड दिखाएगा, और जो अप्रूव्ड दिखाएगा उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगी कि कौन कौन छुट्टी आपकी अप्रूव्ड हो चुकी है। कैंसिल होगी तो कैंसिल की छुट्टी भी आपको वहाँ पर जो है स्टेटस देखोगे यहाँ पर जा करके, ये देखो व्यू अप्लीकेशन स्टेटस का, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपकी छुट्टी का क्या स्टेटस है, ठीक है, और आपकी छुट्टी किसके पास है। तो ये छुट्टी जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनका नाम भी यहाँ पर लिख करके आएगा, अगर उनके तरफ से छुट्टी किसी को फॉरवर्ड की गई है तो यहाँ पर आपको आएगा ऑप्शन, उसका भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्टेटस में। अब यहाँ पर देखो एक्शन में हमारे पास बटन आ रही है कैंसिल की, देखो जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो एक्शन में लास्ट में बटन आ रही है कैंसिल की,
इस छुट्टी को अभी हम अपने एंड से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंसिल करके दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पर टिक करें कैंसिल। अब यहाँ पर पूछ रहा क्या आप वाकई कैंसिल करना चाहते हैं, हमने कहा हाँ कैंसिल करना चाहते हैं। देखो लिखा है लीव एप्लीकेशन कैंसल्ड सक्सेसफुली, ओके पे टिक कर देंगे। तो हमारी छुट्टी देखो कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर जाओगे आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का, तो यहाँ पर मुझे लगता है वो आपका दिखा देगा। तो यहाँ पर गए देखो, यहाँ पर हमने ये देखो लिखा है रेफरेंस नंबर ये है, छुट्टी हमने ये डाली थी, और देखो लीव स्टेटस में लिखा है कैंसिल्ड, हमने इसको कैंसिल कर दिया। किसने कैंसिल किया है तो ये देखो यहाँ पर नाम भी आ जाए कि इन्होंने कैंसिल किया हुआ है, कब कैंसिल किया हुआ, डेट भी लिख करके आ जाएगी। इसका प्रिंटआउट लेना चाहें तो प्रिंटआउट भी हम ले पाएंगे जो छुट्टी हमारी अप्रूव्ड होगी, कैंसिल का अप्रूव आपको मतलब नहीं मिलेगा प्रिंट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है छुट्टी को कैंसिल करने का। इसी तरीके से आप मेडिकल ईएल कोई भी छुट्टी कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो लीव है आपके सीनियर ने आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अप्रूव्ड कर दी है, उस केस में आप खुद से कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा संबंधित पर्सन को जिन्होंने आपकी जो लीव है अप्रूव्ड करी थी, उनसे जाकर मिलिए, वो अपनी आईडी से उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।